Oh,
उन्हां दी सारी टीम ने सिख कौम लई एक बहुत शलाघायोग काम किया है। मैं बलाचौर आण ते जिथे इन्हां दा स्वागत करदा नाल सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया जी श्रोमणी अकाली दल दे साडे लीडर साहिबान उन्हां दा भी इत्थे आण ते स्वागत करदा ते नाल ही बेनती करदा कि मनजिंदर सिंह सरसा जी अपनी गल करन तुहाडे नाल। सानू खुशी इस गल दी आ 150 लोग इस अंदोलन के अंदर जेलां च गए, जेल च जाना और वह भी इस किसानी अंदोलन के अंदर ये बहुत वड्डे भागां वाले दे सियाया है। कई बार आपां डोल जांदे आ, हिल जांदे आ,
पर यह सोचो कि लखा लोग और पूरी दुनिया के देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अज इस किसानी अंदोलन में देख रहे होण ओहोजे वेले 150 लोगों चों भी जिहड़ा बड़े सही तरीके नाल नित्र के निकलिया होवे ओह तुहाडे इलाके का शेर आ रणजीत सिंह। अक्सर लोगों का साडा वास्ता पैंदा जाइदा भी आ झगड़े भी हो जाते हैं इलाकों की दिक्कत आती है पर मैं दो गल्लां तुहानूं कहना चाहुंदा। एक तो मैं जदों रणजीत सिंह नूं मिलिया तो रणजीत सिंह ने इन्नी पुलिस की तशद्दत तो बाद तकरीबन 12-14 घंटे बाद मेरी इहदे नाल मुलाकात हुंदी आ जदों नूं जेल च लिया जाता है तो भावें लंगड़ा के चल रहा सी सट्टां लगियां सी खून बह रहा सीगा पर मैं जदों पुछिया भी तेरे यार माँ बाप नाल गल होनी आ तेरे इलाके के लोगों नूं की कहना है कहिंदा जी तुसीं कहो जे खालसा चढ़दी कला चा इन्नी तशद्दत दे बाद भी डोलिया नहीं। दूजा जदों बाहर कढ के लियाए तो असीं गड्डी च आ रहे सी मैं अगे बैठा सी कहिंदा ते चाचा जी सतनाम सिंह जी और प्रदीप पिछे बैठे सीगे इन्होंने अपने घर सारा कुछ होने तो बाद राती को 12:30 बजे आस पास अपने परिवार नाल 12 बजे गल कर रहे सी ते मैं अगों अपना फोन ते काम कर रहा सी इन्होंने इन्हां दी चाची जी की आवाज़ आई वह जो गल की बुला चाची जी पता चाची कहती है बहुत तकड़ा है साडा शेर आ चढ़ती कला च रहना डोलना नहीं। मैं कहा देखो मावां इहो जिहियां आउंदियां ने प्रदीप का और सतनाम सिंह जी का मैं इन्होंने चाचा जी का इन्होंने भरा का बहुत विशेष धनवाद करदा। सरदार प्रदीप सिंह जी ने कोई थान नहीं छड़ी। सरदार बिक्रम सिंह मजिठिया जी का फोन आता एक दिन कि यार प्रदीप का मैं फोन आया सीगा जमानत का की हो रहा है। मैं कहा जी असं लगे हाँ कहते नहीं हमने परिवार ना गल करो दोबारा उन्होंने गल करके मैं दस्यो जे परिवार हिम्मत रहनी चाहिए मैसेज नहीं जाना चाहिए और पार्टी और असं सारे डट के खड़े हाँ पूरा पंजाब पूरा देश प्रदीप के पिछे खड़ा है पूरा हौसला होना चाहिए है। देखो और मैं भी ये कहना चाहना है इस लड़ाई में जिस तरह सारे ने लड़िया है कोई लोग अपनी पार्टियां भुल गए अपने धड़े भुल गए बस एको गल चेते रखी सी पंजाब पंजाबीयत ते किसानी। मैं इस गल की सारे तुहाडे इलाके नूं वधाई दिना है कि तुहाडे इलाके दे शेर ने साडा ही सिर साडा ही नहीं पूरी दुनिया जगत के अंदर सारी सिक्खी का सिर उच्चा किया है। जदों पुलिस स्टेशन नूं लजाया गया इहदे ते तशद्दत ढाली गई और एको गल कहिंदे सी वी चीका मार के दिखावे पर मां दे पुत ने एक भरानी सीक मूंह चों कढ़ी उह कुड़ के हार गए। सारे इलाका निवासियों का बहुत धन्यवाद करते हैं जिहड़ा तुसीं इन्ना निघा स्वागत किया है। ये बस साडी इक्को गल सीगी कि जदों 29 तरीक नूं सब कुछ होया जिस तरीके नैशनल मीडिया ने रणजीत नूं गुनाहगार साबित करने की कोशिश की और असीं इहदे नाल खड़े होए ते सानूं बड़ा माड़ा चंगा टीवियां ते किया मेरे वीरों नौजवान असीं उदण किदा कर लिया सीगा कि रणजीत जिदन जेल चो बाहर निकलूगा साढ़े हीरो के तौर पर लैके आवेंगे फुलां की वर्खा करके फुलां दी माला पा के ढोल नगाड़ियां दे नाल गजदे वजदे रणजीत नूं बाहर लैके आवेंगे। क्योंकि रणजीत ने कोई माड़ा काम नहीं किया अज बस मैं तुहानूं इह कहना चाहुंदा है पर कहना ही हाँ जिहड़े उदन सरकार दे भाड़वे टट्टू गए सीगे उन्हां भेडुआं नाल अज कोई नहीं खलोंदा पिया जे कोई अज मोढ़ा ला के मोढ़ा खलोंदा पिया तो शेर ना खलोंदा पिया है। वह भेड़ू शेर नूं जख्मी तो कर सकते सी पर शेर का शिकार नहीं कर सकते शेर तुहाडे सामने बैठा वाह। हुण मैं बेनती करूंगा कि सरदार बिक्रम सिंह जी की अभी तुहाडे नाल गल कर इलाका निवासियों पंजाबियों इंसाफ पसंद लोगों दुनिया के कोने कोने च बैठे किसानी संघर्ष अपना योगदान पाउण वालियां नूं अज के दिन की लख लख वधाई है कि साडा सत्कारयोग वीर साडा शेर शाह रणजीत सिंह ने बहुत वड्डी लड़ाई हक सच इंसाफ की लड़ाई लड़द्या अज थोड़े विचकार आए हैं और मैं विशेष तौर पर सरदार मनजिंदर सिंह जी जो दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब ने मेरे बहुत ही सत्कारयोग वीर ने उन्होंने इस गल की वधाई देना
कि जिन्ने सारे केस जिहड़े किसानी संघर्ष दे नाल संबंधित सन वो सारे केस बहुत बेखूबी लड़े है, सारिआं नूं रिहाई दवाई है। इन्हां नूं इन्हां दी समुची टीम नूं सारे वकील साहिबानां नूं बहुत बहुत बधाई है। और नाल ही अपने वीर प्रदीप नूं सत्कारयोग चाचा जी नूं जिन्हां दा दिल वेखो बच्चा जेल च होवे और जिस तरीके का तशद्दुद सर रणजीत सिंह नाल होया ये भी हुकम राणा की धक्केशाही की मूँह बोल की तस्वीर है। क्योंकि उस फोटो ने जदों एक गुरसिख दियां ककारा या पग उत्ते या चेहरे उत्ते पुलिस का जेड़ा बूट सी या उस अफसर की धक्काशाही सी हुकमरान की धक्काशाही साफ झलकती सी कि इंसानियत सब कुछ पिछे हट गया तो सिर्फ धक्का चलूगा। और उस धक्के सहन वाला दुनिया भर च पंजाबियों खातर अन्नदाता खातर किसानी खातर जो वड्डी कुरबानी सर रणजीत सिंह ने दिती है ये वाकई काबले तारीफ है। और वाकई शेरा वांगू अज गजिया उस दिन भी हक सच की लड़ाई जदों धीआं भैणां ते पुलिस वार करना चाहती सी जां एक पार्टी भाजपा दे कुछ गुंडे वार करना चाहते सी उन्हां नूं रोकदा सी कोई वादा नहीं किया रोकदा सी मगर वह रोकना सरकारे दरबारे नूं चंगा नहीं लग्या। और ये वीर 47 दिन तशद्दुद भी सहा हर तरीके का परिवार ने अख्याई का भी सामना किया मगर अज सच्चाई की जित हुई है। सच्चे पातशाह की बहुत वड्डी बख्शिश कृपा करके अज सारे परिवार नूं थोड़ा वड्डा परिवार है थोड़े नाल मिलन वास्ते सारे आए हैं। इसलिए सर मनजिंदर सिंह जी नूं सर रणजीत सिंह नूं जिहड़ा एक पंजाब दा नहीं देश भर च सिविल राइट्स ह्यूमन राइट्स हक सच की गल किसानी की गल की बहुत वड्डी तस्वीर ते आवाज बन के उठे इन्हां नूं बहुत बहुत बधाई। गुरु सदा ही इन्हां दे अंग संग रहन सदा ही अपना मेहर भरिया हाथ इन्हां ते रखन बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा। मैं इलाका निवासियों दे तहे दिलों धन्यवाद करदा जी। मालिक ने बड़ा ही चढ़दी कला च रखिया ते गांव भी रखणगे। वाहिगुरु जी का खालसा। बाकी मेरे को शब्द है नहीं तुहाडे लई जी कोई होर Thank you.
ਫਾਇਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਰਟ।